दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 50.58 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.19 अरब से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ है। ये जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने बुधवार सुबह नए अपडेट में बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले 505,893,847 मरने वालों की संख्या 6,202,920 और टीकाकरण की कुल संख्या बढ़कर 11,191,799,391 हो गई है। CSSE के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों और मौतों की संख्या क्रमश 80,732,919 और 999,328 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। भारत कोरोना के 43,45,527 मामलों के साथ दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। CSSE के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूके, रूस, दक्षिण कोरिया, इटली, तुर्की, स्पेन और वियतनाम है। जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार किया है उनमें ब्राजील, भारत, रूस, मेक्सिको, पेरू, यूके, इटली, इंडोनेशिया, फ्रांस, ईरान, कोलंबिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, पोलैंड, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।